हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। पर आज मैं आ गया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के एक खूंखार चड्डी फाड़ शिकारी मॉन्स्टर के साथ। गाइस यार, हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 देख रहे थे, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्ट्रेंजर थिंग्स के मॉन्स्टर्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए आज हम डेमोगॉर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो यार, डेमोगॉर्गन्स ना बेसिकली एक शिकारी ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स की स्पीशीज है, जो कि हमारी डायमेंशन के नहीं है बल्कि एक पैरेलल अल्टरनेट डायमेंशन के निवासी हैं, जिसे अपसाइड डाउन यानी उल्टी फुल्टी दुनिया कहते हैं। नाउ दिखने में ये डेमोगॉर्गन कतई बदसूरत हैं। चेहरा, आंखें, कान, नाक कुछ नहीं है इनके, बस केले के छिक्कल की तरह मुंह खोल देते हैं ये। अरे केले के छिक्कल नहीं यार, बल्कि फ्लावर के पेटल्स यानी फूलों की पंखुड़ियों की तरह इसका मुंह खुलता है, जिसमें रेजर से भी तेज दांत हैं, जिनसे ये अपने शिकार को पेलता रहता है, क्योंकि ये अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। हाँ गाइस, अकल वकल कुछ नहीं है इसमें, बस वायलेंस वायलेंस वायलेंस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये डेमोगॉर्गन्स अपसाइड डाउन से हमारी दुनिया में अभी ही क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए थे? तो यार, जब हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी में 11 के ऊपर साइकिक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो एल ने जादू दिखा के हमारी डायमेंशन और अपसाइड डाउन के बीच एक गेट खोल दिया, और बस तब से ये डेमोगॉर्गन उधर से इधर, इधर से उधर फुदकने में लगे हैं। मुर्गा चाहिए मेरे को। अरे मुर्गा नहीं भाई, जो मिल जाए वो खा जाते हैं ये, इंसान तो फेवरेट मील है इनके। चलो गाइस, अब फटाक से ना डेमोगॉर्गन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। बाय द वे गाइस, अब जो मैं आपको डेमोगॉर्गन्स की पावर और एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा ना, वो उस डेमोगॉर्गन के कंटेक्स्ट में है जिसे एल हमारी दुनिया में ले आई थी, वही जो हॉकिंस पे अटैक करता है और लास्ट में एल जिसकी बत्ती बना के उसे हवा में उड़ा देती है। इंटरडाइमेंशनल ट्रेवल, डेमोगॉर्गन स्पेस टाइम में पोर्टल बना के अपनी उस पैरेलल अपसाइड डाउन डायमेंशन और हमारी डायमेंशन के बीच में ट्रेवल कर सकता है। अब देखो यार, जैसे एक शार्क समुंदर में रहती है और कभी कभी फुदुक से ऊपर आके शिकार को दबोच के अपनी दुनिया में ले जाके निपटा देती है, वैसे ही ये डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन में रहता है और स्पेस टाइम का सीना फाड़ के खुदक से हमारी डायमेंशन में आके शिकार को दबोच के अपनी दुनिया में सट से उठा के ले जाता है, फिर खत्म, टाटा, गुड बाय। आज का सवाल, पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 में तीनों टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मॉमी लॉन्ग लेग्स छछुंदर के साथ कौन सा गेम खेलती है? ए कबड्डी, बी हाइड एंड सीक, या फिर सी लूडो? सही आंसर कर दो कॉमेंट, क्योंकि एक रेंडम कॉमेंट को पिन किया जाएगा। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, कतई पावरफुल, दया का बाप है ये गाइस, वो तो सिर्फ दरवाजा तोड़ता है, ये भाई तो सीधा दीवारी तोड़ देता है। अभी टक्कर मार के दीवार में इतना बड़ा खड्डा किया। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, चट्टान है गाइस ये, गोलियों से भी कुछ नहीं होता इसे। अरे रॉकी की बड़ी माँ से उड़ा देंगे इन्हें। भाई मेरे, ये बुलेट प्रूफ है, गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन इसे ना कुछ नहीं होगा, और लास्ट में तुम ना माफी मांगते हुए कहोगे भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। टेलीकिनेसिस, नाउ शायद से ना इस वाले डेमोगॉर्गन के पास ना टेलीकिनेटिक पावर्स हैं, मतलब एक बार तो भाई साहब बिना हाथ लगाए कुंडी खोल देते हैं, और एक बार बेचारे घायल डियर को बिना छुए अपनी तरफ खींच लेता है ये। बट गाइस, इनके अलावा ना डेमोगॉर्गन की टेलीकिनेसिस पावर्स के बारे में ना ज्यादा नहीं पता है। ब्लड डिटेक्शन, जैसे गर्मियों में आप गन्ने के जूस के ठेले को डिटेक्ट करके जूस सूत लेते हो, वैसे ही ये डेमोगॉर्गन ब्लड को डिटेक्ट कर सकता है। गाइस मान लो मेरा हाथ यहाँ कटेगा ना, ये अपसाइड डाउन से इसे सूंघ लेगा और फिर पोर्टल बना के हमारी डायमेंशन में आके मुझे निपटा जाएगा, इतना खतरनाक है ये। रीजेनरेशन हीलिंग फैक्टर,
यार हम आम इंसानों के लिए ना इस डेमोगॉर्गन को मार पाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इसे जला दो, बड़ी मां से भून डालो, कुछ भी कर लो, ये भाई रीजनरेट होके पहले के जैसा हो जाता है एकदम चकाचक। चलो गाइस अब बात करते हैं इस डेमोगॉर्गन के लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ अ डेमोगॉर्गन, यार हम इंसानों का तो सीधा सीधा हिसाब है, बच्चा, जवान, बुढ़ा, खल्लास। बट इन डेमोगॉर्गन्स की लाइफ साइकिल ना गाइस बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो यार सबसे पहले अपसाइड डाउन में फैले हुए माइंड फ्लेयर के टेंटिकल्स एक होस्ट के मुंह में डेमोगॉर्गन के अंडे दे देते हैं। माइंड फ्लेयर कौन है ये तो बताओ। गाइज माइंड फ्लेयर पे ना एक अलग वीडियो आएगा, जो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। स्टेज वन, लार्वल डेमोगॉर्गन। तो उस होस्ट की बॉडी में ना वो एग एक लार्वा बन जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद ना वो लार्वा उस बेचारे के मुंह से बाहर निकलता है। मुबारक हो लड़का हुआ है। छी 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 यार, ऐसा तो जुखाम होने पे नाक से निकलता है, इसे देख के तो हमको उल्टी आ रहा है। गाइस यार उल्टी में निकला ये लार्वा ना एक घोंगे के जैसा दिखता है, जिसकी स्किन डार्क ग्रीन कलर की होती है, जिसपे येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं। स्टेज टू, पॉलीवॉग। कुछ टाइम बाद वो लार्वा ट्रांसफॉर्म होके एक पॉलीवॉग बन जाता है, और अब ना ये येलो ग्रीन कलर का हल्का ट्रांसलूसेंट चिपचिपा टाइप का दिखने लगता है। छिपकली के जैसे पुछड़ी उग जाती है इसकी, दो छोटे छोटे पंजे वाले हाथ भी आ जाते हैं, और एक छोटा सा पुटकू सा मुंह भी उग जाता है। नाउ गाइस यार इस स्टेज में ना ये डेमोगॉर्गन हीट से ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब टेबल लैंप के बल्ब की गर्मी भी नहीं झेल पाता ये। स्टेज थ्री, फ्रॉगोगॉर्गन। खूब सारा खाना सूद साद के ये पॉलीवॉग बड़ा हो जाता है, फिर फक करके इसके दो और पैर उग जाते हैं, स्किन का कलर डार्क ग्रीन हो जाता है, और तो और इसके मुंह में छोटे छोटे शार्प टीथ भी उग जाते हैं। इस स्टेज में ना ये मेढक जैसा दिखने लगता है। स्टेज फोर, कैटोगॉर्गन। गाइज अगली स्टेज में ना ये एक बिल्ली के जितना बड़ा हो जाता है, और फाइनली इसका ये आइकॉनिक केले के छिक्कल वाला मुंह भी ना डेवलप हो जाता है। इसकी स्किन हार्ड हो जाती है, और भाई साहब गर्मी वर्मी से भी इसे फर्क नहीं पड़ता अब। बाय द वे इस स्टेज में ना ये एक शिकारी बन जाता है, और छोटे मोटे जानवरों को तो ये ऐसे ही निपटा लेता है। स्टेज फाइव, डेमोडॉग। नाउ जवानी आने से पहले ना गाइज ये एक बड़े साइज के कुत्ते के जितना बड़ा हो जाता है, और अब ना ये एक निहत्ते इंसान को बड़े ही आराम से निपटा सकता है। इसके अलावा ये गड्ढे खोद सकता है, सीधा पहाड़ चढ़ सकता है। बट इस स्टेज में ना गाइज आप इस डेमोडॉग को ना गोलियों से भून सकते हो, थोड़ा टफ होगा बट इट इज पॉसिबल। अच्छा चलो फिर रॉकी की बड़ी माँ से इन्हें उड़ा देंगे, जवानी ही नहीं आने देंगे इनकी। स्टेज सिक्स, डेमोगॉर्गन। फाइनली गाइज पांचों स्टेजेस को कंप्लीट करके ये अब अपनी एडल्ट वाली खूखार फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें ये ना दो पैरों पे चलने लगता है। बाकी इसकी पावर और एबिलिटीज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यार ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स के डेमोगॉर्गन के बारे में बेसिक सी नॉलेज। नाउ जाते जाते ना गाइज उस असली डेमोगॉर्गन के बारे में बात करते हैं, जिसके नाम से डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम का ये मॉन्स्टर डेमोगॉर्गन है, जो ना सीधा ग्रीक माइथोलॉजी से आता है। ये नरक में रहने वाला एक शैतान है, जो खुद को ना शैतानों का राजकुमार कहता है। बाकी दूसरे शैतान ना इसे अपना प्रिंस मानते हैं या नहीं ये नहीं पता गाइज। ना उसकी नीचे की बॉडी ना एक शैतान छिपकली जैसी है, बाकी इसकी ना दो खोपड़ियां हैं जो बंदर जैसी दिखती हैं। वैसे सच बताऊं ना गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स वाले डेमोगॉर्गन से ना ज्यादा खतरनाक डेमोगॉर्गन तो मुझे ये लगता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोग अगली वीडियो में किस मॉन्स्टर को देखना चाहते हो हमें आप ना कॉमेंट्स में बताना। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।